अच्छी मूवी है। हाँ टॉपिक काफ़ी अच्छा गया, कॉन्सेप्ट अच्छा है उसका, स्क्रीन प्ले अच्छा है, बट स्टोरी थोड़ी स्लो कर दी उन्होंने। क्या कॉन्सेप्ट लिया है उन्होंने रिलीजन के ऊपर, थोड़ा पॉलिटिक्स डाल दिया उसमें, थोड़ा अयोध्या का मुद्दा ले लिया उन्होंने, तो कहानी ठीक है और एक्टिंग वाइज भी अच्छा है, सब लोगों ने अच्छा काम किया है। डायरेक्शन की बात की जाए, हाँ डायरेक्शन भी अच्छा है, इस तरह से पूरी टीम को लेके चला है तो अच्छा काम किया उसने डायरेक्टर ने। ट्रेलर में ही बताया गया था कि एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, एक रियल कहानी दिखाई, सिचुएशन रियल है, वहाँ की रियल सिचुएशन है, ये होता है। ओ हाँ सही दिखाया हुआ है, ऐसा होता है शायद, क्योंकि देखते हुए लग रहा था ये कनेक्टेड हैं, लेकिन कहानी धीरे धीरे स्लो होती गई तो फिर बनारस के कल्चर को कितने अच्छे से प्रेजेंट किया डायरेक्टर ने। एक कहानी में कहाँ इतना पता चल पाता है बनारस का, बनारस बहुत बड़ा है। कितना रेटिंग देना चाहिए आउट ऑफ फाइव? आउट ऑफ फाइव, आउट ऑफ फाइव 3 देंगे। थैंक यू, थैंक यू। फिल्म के बारे में कैसी लगी आपको फिल्म? ठीक है, टाइम पास नॉट गुड, एक्टिंग वाइज अच्छी फिल्म है, कोई स्टोरी लाइन अप नहीं है, डायरेक्शन अच्छा है, जितने भी एक्टर्स हैं, सनी पाजी है, साक्षी तंवर है, सबने काम अच्छा किया, क्योंकि जितने भी थिएटर आर्टिस्ट हैं सबने बहुत अच्छा काम किया है। और कुछ सोशल मैसेज नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि कहानी किसी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हुई और एंड में कुछ अच्छा एंड देना दिखाया, धर्म को लेके कुछ बातचीत की गई है, राजनीतों को कुछ बातचीत की गई है, कांग्रेस और लाइक बीजेपी को लेके कुछ बातचीत की गई है, कोई लाइक मुझे कोई विजन नहीं लगा फिल्म का। और गाली यूज़ की गई है और लाइक वो कहते हैं वहाँ का वो फेमस ही है गाली, तो बट हर जगह यूज़ करना उसका मुझे कोई लाइक तुक नहीं लगा उस बात का। हाँ एक सोशल मैसेज था कि लाइक अंग्रेज़ी और हिंदी का और संस्कृत का जो बता रहे थे, हाँ लैंग्वेज सीखनी चाहिए, अच्छा है, और कोई भी लाइक आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हो उसके लिए लैंग्वेज अच्छी है तो सीखनी चाहिए। क्योंकि बनारस के कल्चर को काफ़ी अलग तरीके से दिखाया जा रहा था फिल्म में, आपको कैसा लगा वो प्रेजेंटेशन? देखो सिनेमाटोग्राफी अच्छी है और मुझे जहाँ तक समझ भी आया, बट लाइक मुझे लगता उतना अलग है जितना उसमें दिखाया गया, लाइक कुछ कॉमन चीज़ें उठा के चिपकाई गई है और उतना तो नहीं लगा, बट ठीक है, अभी कुछ अच्छी फिल्म भी नहीं है तो आप क्या करोगे। अभी परफॉर्मेंस की बात की जाए, किस तरह की परफॉर्मेंस अच्छी लगी आपको? देखो परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है, एक्टिंग वाइज फिल्म बहुत अच्छी है और जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी एक्टर हैं, सनी पाजी हैं, जो भी एक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट थिएटर बैकग्राउंड के आर्टिस्ट हैं, सबको लाइनें अच्छी मिली हैं, डायलॉग बहुत अच्छे हैं, सबके डायलॉग बहुत अच्छे हैं। और लाइक जो अयोध्या वाला टॉपिक था, राम मंदिर और वो मस्जिद का, लाइक मेरा खुद का विज़न है, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार वहाँ पे अगर तुम देश हित में कुछ करना चाहते हो तो लाइक हॉस्पिटल बना दो, कुछ गवर्नमेंट संस्था बना दो जो लोगों की सेवा कर पाए, हेल्प कर पाए, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे मंदिर ही बने, मस्जिद ही बने, लाइक तो एक लड़ाई झगड़े वाला टॉपिक है तो उसका कोई तुक नहीं है। गालियों का ऐसे ही कुछ जगह बेमतलब ही यूज़ किया गया है, कोई वहाँ पे उसका विज़न नहीं है कि गाली बार बार, कुछ चीज़ें हैं जो लाइक सब लोग बैठ के नहीं देख सकते यार, लाइक ठीक आप अकेले चले जाओ, लाइक फैमिली फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो कह नहीं सकते। लास्टली डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जस्टिफाई किया है? देखो डायरेक्शन तो ठीक है, जिस हिसाब से फिल्म को फिल्माया गया वो अच्छा है, बट फिल्म एंड में जाके कहीं ख़त्म नहीं हुई, लाइक कुछ मतलब नहीं निकला, लाइक वो भोलेनाथ जी को वापस वो गंगा में बहाए और लाइक फिर वो वापस घर में ले आते हैं, लाइक वो वाली बात है ना कि इंसान जब भूखा मर रहा हो तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, अपनी परिस्थितियों के साथ, अपनी चीज़ों के साथ, फैमिली के साथ, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं समझौता करेगा, तो लाइक वो समझौता दिखाया लास्ट में कि हाँ वो समझौता भी किया उसने और वो कैथरीन जो लड़की लास्ट में जिसको रखा, बट मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया। ओके लास्टली कितने स्टार देना चाहिए फाइटर? 2.5 या 3। कैसी लगी फिल्म के बारे में? मैम जैसा कि मूवी का नाम है मोहल्ला 80, तो मूवी अच्छी है, एंड किसी मूवी को अच्छा या बुरा हम तब डिसाइड करते हैं जब उसकी स्टोरी खराब हो या उसका डायरेक्शन गंदा हो, तो यहाँ पे मुझे सारा कुछ अच्छा लगा है। देन जहाँ तक कि सनी पाजी की बात करें तो सनी पाजी ये डिफरेंट कैरेक्टर में नज़र आए हुए हैं और काफ़ी यूनिक कैरेक्टर है, और ये काफ़ी पहले मूवी स्टार्ट हुई थी 2011 में मूवी, लेकिन रिलीज़ नहीं हो पाई कुछ चीज़ों की वजह से, वो चीज़ें हैं अभी भी हैं, अभी उस वर्डों का यूज़ किया गया है, तो वो हमारे यूपी के कल्चर है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, जो भी गालियाँ वो वहाँ का प्रसाद है और वो लेना है। बनारस को किस तरीके से फिल्माया गया है? बनारस जैसा है वैसा ही दिखाया गया है, कुछ अलग नहीं किया गया उसको, जैसा बनारस है और जैसा कल्चर है वहाँ का सेम कल्चर है, सेम कॉस्ट्यूम डिज़ाइन जो आपने देखे उनके जो भी पहना हुआ है कपड़े क्लॉथ यूज़ किए वो सारे वैसे ही हैं, यहाँ तक कि जो घाट भी 80 घाट वगैरह दिखाए गए एकदम सेम ही है। फिल्म
फिल्म की डायरेक्शन स्क्रीन प्ले की बात करें तो मैम जिस तरह की मूवी थी बनारस पे लिखी गई है, एक मुद्दा उठाया गया था उसमें, तो स्क्रिप्ट प्ले इज गुड एंड डायरेक्शन भी तो अच्छा ही था। पॉलिटिक्स के ऊपर भी दिखाया। सॉरी मैं पॉलिटिक्स पे बोलता नहीं क्योंकि आई हेट पॉलिटिक्स। हाँ मुझे मूवी अच्छा लगा, स्टोरी अच्छा लगा, कैरेक्टर अच्छे लगे, मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। दैट्स ऑल। गाने की बात की जाए तो फिल्म किस तरीके के गाने थे, कुछ गाना था? गाने जैसे रखने चाहिए थे मेरे हिसाब से, गानों में कुछ गड़बड़ था। एक ही गाना उसका अच्छा है एंड उसमें जो रवि किशन ने कैरेक्टर किया बहुत ही अलग था, जो लैंग्वेज यूज़ करी क्योंकि वो भोजपुरी बिहारी हैं पहले से ही, और उन्होंने जो पकड़ा, फिर उधर से जो गालियों का लेडीज़ें जो गालियाँ दे रही हैं वो अलग ही यूनिक जा रहा है, पंचेस जा रहे हैं उसमें, वो अलग है कि यार गाली क्यों। तो मैम आपको पता है अभी जितना भी मूवी आ रहा है बहुत ही कम मूवीज़ है जिसमें अभी उस वर्डों का यूज नहीं किया जा रहा है। सनी पाजी की बात करें तो कैसे? इज़ अ ग्रेट मैन एंड लव यू। आउट ऑफ 5 कितना देना चाहेंगे? 5.3 सॉरी 3.5 दिया था मैंने सनी पाजी को, 5 है। थैंक यू। काफ़ी अच्छी थी सी, बहुत सारी सोशल इश्यूज़ को दिखाने के चक्कर में द डायरेक्टर आई थिंक लॉस्ट हिज क्लैरिटी, तो उन्हें हर भले बहुत सारे सोशल इश्यूज़ उन्हें लेके आ गए स्क्रिप्ट में, लेकिन हर एक पर इंडिविजुअली फोकस करना चाहिए था, ना कि यू नो जैसे इंग्लिश हिंदी के यूजेज में, जैसे हिंदी को आई थिंक प्रमोट करने के लिए तो क्लैरिटी होनी चाहिए थी स्क्रिप्ट में। सनी देओल, साक्षी तन्वर, पीपल लाइक देम, परफॉर्मर लाइक देम कुड हैव बीन मच बेटर इन द फिल्म, लेकिन ओवरऑल इट वाज नॉट दैट ग्रेट बिकॉज फर्स्ट हाफ फिल्म का काफ़ी अच्छा गया, लेकिन जैसे जैसे द फिल्म वेंट ऑन सेकेंड हाफ तक यू फेल्ट लाइक क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग, तो ओवरऑल ठीक था फिल्म बट कॉन्सेप्ट कुड हैव बीन मच क्लियर। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक को छुआ गया इस फिल्म में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या? एज आई सेड सी सेंसिटिव टॉपिक्स काफ़ी सारे चुने गए उन्होंने, उन्हें एक दिखाना चाहिए था या दो तीन, बट सबको जला मिक्सअप कर दिया तो दैट इज़ वेयर द स्क्रिप्ट, दैट इज़ वेयर द फिल्म वेंट डाउन, यू नो आई वॉज एक्सपेक्टिंग वे मच फ्रॉम सनी देओल एंड साक्षी तन्वर बीइंग इन द फिल्म, बट ठीक है उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। एग्जैक्टली सनी देओल हुज़ प्लेइंग पंडित इन दिस फिल्म एंड क्योंकि बनारस में पूरा शूटिंग किया है, द लोकेशंस कुड हैव बीन इन द फेवर ऑफ द फिल्म, लेकिन उतनी बखूबी या उतने उम्दा तरीके से नहीं दिखाया गया। आई वेंट फॉर द फिल्म बिकॉज ऑफ साक्षी तन्वर एंड सनी देओल, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, बट जब स्क्रिप्ट में ही क्लैरिटी नहीं है तो एक्टर्स भी फिल्म को नहीं बचा सकते, दैट इज द थिंग। उसी की वजह से फिल्म लैक हुई है, अगर डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट को लेकर अपने कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर होते तो आई थिंक द फिल्म कुड हैव बीन अ बेटर वन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक 2 stars out of 5, दैट्स इट। वेलकम। मोहल्ला फिल्म बहुत अच्छी है, जिस तरीके से सनी ने इसमें एक्टिंग किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी है। बनारस जैसा है वैसा ही फिल्म के अंदर दिखाया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा फिल्म में गाली गलौज कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल किया है, तो ओवरऑल ठीक है। हाँ, जैसे फिल्म में लैंग्वेज को लेके दिखाया गया है, पॉलिटिक्स को लेके दिखाया गया है, तो उतना मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर वो नहीं करना चाहिए था क्योंकि गोच पोच में सब वैसा ही निकल गया, तो ओवरऑल अगर फिल्म की बात की जाए तो ठीक है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ वो कभी आए भी नहीं है, और अभी पंडित के रूप में हमने उनको देखा, तो बाकी जैसे हमने उनको 2.5 kilo का हाथ एंड ऑल इस तरीके के फिल्म में देखा है, तो ये बहुत ही अलग था बाकी फिल्मों से, तो मुझे अच्छा लगा। डायरेक्टर ने बनारस को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, जैसे कि बनारस के बारे में हम जानते हैं कि बनारस में भाईगिरी दिखाते हैं, गाली गलौच ये सब, तो वो सब एकदम अच्छे तरीके से इस फिल्म में पेश किया गया है। मैं 2.5। फिल्म काफ़ी अच्छी थी बट एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतर पाई मेरे, मैं कुछ और एक्सपेक्ट करके गया था कि कुछ अलग देखने मिलेगा इस फिल्म में, पर वो देखने नहीं मिला, लेकिन फिल्म काफ़ी अच्छी थी। डायरेक्शन की बात की जाए, स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो किस तरीके से फिल्म में फिल्म आया गया?
डायरेक्शन की बात की जाए तो बनारस के कल्चर को काफ़ी हद तक अच्छे से दिखा पाया डायरेक्टर, बट उसमें काफ़ी सारे सेंसिटिव टॉपिक्स उन्होंने डाले, क्योंकि एक वक्त पे अगर एक या दो होते तो वो ठीक भी लगता था, लेकिन इन्होंने काफ़ी सारे सेंसिटिव टॉपिक्स को वहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि पॉलिटिक्स दिखाया गया है, राम मंदिर के बारे में दिखाया गया है, सो उसके वजह से काफ़ी मेस्ड अप हुआ नज़र आया, पर डायरेक्शन काफ़ी हद तक सही था अगर वो एक या दो टॉपिक को अगर चूज़ करते थे। एटीज की लैंग्वेज है जैसे कि उन्होंने कहा गया है तो, लेकिन कई जगह मुझे लगा कि ये बेफालतू की जगह है जहाँ गाली की ज़रूरत नहीं थी पर वहाँ यूज़ की गई है, तो गालियाँ कुछ ज़्यादा लगी मुझे बस। सनी पाजी की एक्टिंग की बात करें तो हाँ, काफ़ी अलग फिल्म में एक्ट करते नज़र आए, वो काफ़ी कम नज़र आते इस तरह की फिल्मों में एक्ट करते हुए, सो उन्होंने एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे इस फिल्म में, जो 2.5 किलो का हाथ वाले डायलॉग्स तो नहीं थे पर एक्टिंग काफ़ी हद तक दिखी है मुझे इसमें। आउट ऑफ 5 2.5।